रोहतक जिले के खेड़ीसाद गांव में ट्रांसपोर्टर पर फायरिंग के आरोपियों के तार पंजाब जेल से जुड़े। सिद्धू मूसेवाला के हत्या आरोपी मोनू डागर के कहने पर दो लोगों को मारी गोली, चार में से एक आरोपी को सीआईए ने किया गिरफ्तार। दो महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दे चुके हैं धमकी। पहले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी, तो सिद्धू मूसेवाला के हत्या आरोपी मोनू डागर के कहने पर बृहस्पतिवार को खेड़ीसाद गांव में चार बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्टर के कार्यालय में घुसकर मुंशी और एक ड्राइवर को गोली मार दी। पुलिस ने चार में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में पंजाब जेल में बंद मोनू डागर ट्रांसपोर्ट में हिस्सा चाहता था, इसीलिए फायरिंग की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। रोहतक जिले के खेड़ीसाद गांव में बृहस्पतिवार को ट्रांसपोर्टर के कार्यालय में बैठे दो लोगों पर चार बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी सिद्धू मूसेवाले की हत्या के आरोप में पंजाब जेल में बंद मोनू डागर का गुर्गा है, जिसके कहने पर ही ट्रांसपोर्टर के कार्यालय पर फायरिंग झोंकी गई थी। दरअसल बीते दिन रोहतक जिले के खेड़ीसाद स्थित भाईचारा टेम्पो कैंटर नाम के ट्रांसपोर्टर के यहाँ चार बदमाशों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया, उस समय कार्यालय में कार्यालय के ही मुंशी तथा एक ट्रक ड्राइवर बैठा हुआ था। लगभग 10 से 12 राउंड फायरिंग के दौरान दोनों लोगों को पैरों में गोलियां लगी थी, जिसके बाद दोनों का इलाज फिलहाल पीजीआई में चल रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अंकित नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसने मोनू डागर के कहने पर ही इस घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि मोनू डागर चाहता था कि उसका भी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हिस्सा हो। आरोपी ने यह भी खुलासा किया है कि वह पहले भी जितेंद्र को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दे चुके हैं, लेकिन जब जितेंद्र नहीं माना तो उसके कार्यालय पर फायरिंग करने का प्लान बनाया गया। पूरे मामले में जितेंद्र को निशाना बनाया जाना था, लेकिन जितेंद्र की किस्मत अच्छी थी कि वह उस समय कार्यालय में मौजूद नहीं था, जिस कारण अंधाधुंध फायरिंग में जितेंद्र तो बच गया, लेकिन जितेंद्र के कार्यालय में काम करने वाले मुंशी व एक ड्राइवर को गोलियां लग गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, साथ ही अन्य तीन आरोपियों की खोज भी की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के माध्यम से तीनों आरोपियों की पहचान कर ली है तथा अलग अलग टीमें बनाकर तीनों की जल्द धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। कल दिनांक 2 फरवरी को एक आईएमटी ट्रक यूनियन, भाईचारा ट्रक यूनियन में गोलियां चली थी, जिस आधार पे हमने वहां जाके देखा तो दो व्यक्तियों को गोलियां लगी थी और दोनों इंजर्ड होके पीजीआई में एडमिट थे। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों का अध्ययन करने पर चार लड़के शामिल होने पाए गए, जिसमें सीसीटीवी के आधार पर एक लड़के अंकित पुत्र श्रीओम गांव खराउड़ को काबू कर लिया गया है, जिसने पूछताछ के दौरान बतलाया है कि मोनू डागर, जो सिद्धू मूसेवाला केस में बंद फरीदकोट जेल है, और उसी के कहने पर इसने यहां पर गोलियां चलाई थी। ये ट्रक यूनियन में हिस्सा चाहते थे और उसी का दबाव बनाने के लिए पहले भी इन्होंने उसको धमकी कॉल की थी। हाँ, लॉरेंस गैंग के इनाम पर धमकी दी गई थी। बाकी के तीन आरोपियों के लिए टीम गठित कर दी गई है एसपी साहब की तरफ से, और उस पर टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द उनको भी पकड़ लिया जाएगा। अभी तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़ने पाए गए हैं, बाकी जांच जारी है।